जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की। और मैं आज आपका फिर से स्वागत करता हूँ इस संपूर्ण सृष्टि ज्ञान चैनल में। और हम लोग आज बात करने जा रहे हैं क्रीम बीज मंत्र के बारे में। और इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जो क्रीम बीज मंत्र है ये किस देवी या देवता का है और इस मंत्र को पढ़ने से क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, पर शुरू करने से पहले जय श्री राम, हनुमान बाबा और काली माँ की जय। देखिए, बीज मंत्र हर देवताओं का अलग अलग होता है या हर देवी का अलग अलग होता है, और बीज मंत्र का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। ये सब ऐसी ध्वनियाँ हैं जो हमारे ऋषि मुनियों ने जब ध्यान लगाया किसी भी देवी या देवता के बारे में तो उनको यह ध्वनि सुनाई थी। अब जैसे हम क्रीम के बारे में बात कर रहे हैं, तो जब ऋषि मुनियों ने जब भगवान माँ काली का जब ध्यान लगाया तब उन्हें यह क्रीम ध्वनि सुनाई दी, ऐसा ग्रंथों और पुराणों हमारे वेदों में लिखा गया है। तो ये हम कहना चाहेंगे कि जो क्रीम बीज मंत्र है ये काली माँ का बीज मंत्र है, और इस मंत्र को करने से माँ काली का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब देखिए, ये मंत्र कब करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आपको बहुत भय प्रतीत होता है, डर लगता है हर चीज़ में, तब यह मंत्र आपके लिए सोने समान है, क्योंकि यह मंत्र जो है हर डर को ख़त्म करता है। अगर किसी को बिना कारण डर लगता हो या डिप्रेशन हो या एंजाइटी है तो यह मंत्र आप ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि यह मंत्र करने से आपको यह डर, जो डर फालतू का बसा हुआ है मन में, वो ख़त्म हो जाएगा और आप में इतनी पॉजिटिविटी आ जाएगी कि आप हर काम को करने के लिए तैयार रहेंगे और अपने को सक्षम समझेंगे। अच्छा, इस मंत्र को जो क्रीम मंत्र है इसको आकर्षण मंत्र भी कहा गया है, और इस मंत्र में विशेष बात ये है कि ये दुश्मनों का संहार भी करता है। अगर आपको दुश्मन बहुत परेशान कर रहे हैं तो आप मन में माँ काली का ध्यान करिए और ओम क्रीम कालिकाय नमः ये मंत्र आप जपिए। आप देखिएगा कि दुश्मन आपसे स्वतः दूर हो जाएंगे और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको डर लगता है, अगर आपको डिप्रेशन है या आपको एंजाइटी है, तो आप 10 मिनट से शुरुआत करिए, आंख बंद करके इस मंत्र पढ़िए ओम क्रीम कालिकाय नमः, और धीमे धीमे 1 घंटे तक ले जाइए। देखिएगा आपका डर, आपका डिप्रेशन, आपकी एंजाइटी सब धीमे धीमे ख़त्म हो जाएगी। देखिए, हम बता सकते हैं, महसूस तो आप ही करना है, और महसूस होगा अगर आप मन से और भक्ति भाव से करेंगे इस मंत्र को। तो जो क्रीम बीज मंत्र है यह माँ काली का मंत्र है, और यह मंत्र मानसिक और शारीरिक परेशानियों को दूर करता है, या यह भी हम कह सकते हैं कि आपको ये मानसिक शक्ति और शक्तिशाली शारीरिक शक्ति दोनों ही प्रदान करता है। तो अगर आपको कुछ ऐसी परेशानी है जैसा हमने अभी आपको बताया, तो आप ये मंत्र, आप ये ओम क्रीम कालिकाय नमः, क्योंकि क्रीम तो बीज मंत्र है काली माँ का, अगर आप ये मंत्र करेंगे, पर सात्विक भाव से करिएगा, तामसिक भाव से मत करिएगा, आप देखिएगा आपको लाभ ज़रूर होगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि क्रीम किस देवी का बीज मंत्र है। अब हमें आज्ञा दें, अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा।